देख रहे न्यूज 18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। पश्चिमी मीडिया में 9 मई को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। 9 मई को रूस अपना विक्ट्री डे मनाता है, नाजियों पर जीत का सेलिब्रेशन पूरे रूस में मनता है, मॉस्को में बड़े परेड निकाले जाते हैं और इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन देश को संबोधित करते हैं। पुतिन अपने संबोधन में क्या कहेंगे, रूसी सेना को पुतिन क्या संदेश देंगे, इसको लेकर पश्चिमी मीडिया में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन 9 मई को लेकर क्या है पुतिन का प्लान, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मई को पुतिन नया ऑर्डर देंगे। तीन शहर और एक देश पर कब्जे का ऑर्डर आने वाला है। पुतिन के टारगेट पर ज़ेलेंस्की का शहर, जैसे जैसे 9 मई की तारीख करीब आ रही है, यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में बेचैनी बढ़ रही है। पश्चिमी देशों की मीडिया में कयासों का बाजार गर्म है, सवाल पूछे जा रहे हैं, आखिर 9 मई को पुतिन क्या करेंगे, क्या महायुद्ध बढ़ेगा या खत्म होगा, पुतिन रूसी सेना को कौन सा ऑर्डर देंगे, मतलब 9 मई को लेकर किए जा रहे सनसनीखेज दावों के बीच ये नया दावा हुआ है जिसके मुताबिक रूस की तैयारी 9 मई से पहले यूक्रेन के तीन बड़े शहरों और एक देश पर कब्जा जमाने की है। ताकि 9 मई को जब मॉस्को में विक्टरी डे की परेड निकले तो पुतिन अपनी पीठ थपथपा सके। कुछ मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि इन चार शहरों में भी पुतिन की सबसे पैनी नजर है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का ज़ापोरिज़्या, पुतिन का दूसरा टारगेट दक्षिण यूक्रेन का निकोलोव शहर, तीसरा टारगेट यूक्रेन का पड़ोसी देश मालदोवा और चौथा सबसे अहम ज़ेलेंस्की का होम टाउन यानी क्रवई रीह शहर। मध्य यूक्रेन का क्रवई रीह शहर वो शहर है जहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पले बढ़े। पुतिन ज़ेलेंस्की के शहर को तबाह करके अपना सबसे बड़ा बदला लेंगे। ये हमला वो होगा जिसका इंतजार पुतिन 24 फरवरी से कर रहे हैं। पुतिन ने इस शहर को अपनी नाक का सवाल बना लिया है और वो 9 मई से पहले उसको अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो शहर है जहां उनका जन्म हुआ था और उसी क्रवेरी शहर को अपना टारगेट बनाने की वजह से पुतिन का ज़ेलेंस्की से 36 का आंकड़ा एक बार फिर सामने आ गया। लेकिन ज़ेलेंस्की का जन्म स्थान होने के अलावा भी क्रवई रीह शहर अहम है। वो मध्य यूक्रेन का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के लिहाज से यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्रवई रीह पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन दावा है कि पुतिन सिर्फ इसी शहर पर रुकने वाले नहीं बल्कि उनके निशाने पर यूक्रेन के तीन और शहर हैं, जिनमें दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का ज़ापोरिज़्या शहर भी शामिल है। फिलहाल ज़ापोरिज़्या शहर यूक्रेन के पास है, लेकिन ज़ापोरिज़्या प्रांत के बड़े हिस्से पर रूस की सेना का कब्जा है। इतना ही नहीं, वहां के ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट पर मार्च में ही रूस ने कब्जा कर लिया था। वहीं पुतिन का तीसरा टारगेट दक्षिण यूक्रेन का निकोलोव शहर है, जो कि अपनी खास लोकेशन की वजह से बेहद अहम है। निकोलोव शहर काला सागर के पास बसा है जहां जहाज बनाए जाते हैं। 9 मई को रूस हर साल की तरह विक्टरी डे मनाएगा और मॉस्को में रूस की फौज परेड कर रही होगी। माना जा रहा है कि इस बार का दिन रूस के लिए हर साल वाले विक्ट्री डे से काफी अलग होगा। ये वो मौका है जब रूस की फौज अपने करीब 25,000 सैनिकों की मौत को भी याद करेगी जिन्होंने यूक्रेन में जान गंवाई। खबर है कि जब फाइटर जेट उड़ान भरेंगे
तो जेड के सिंबल में उड़ेंगे। इसके अलावा रूस की फौज के एक बड़े ऑपरेशन की भी चर्चा तेज है। खबर है कि रूस की फौज इस बार मोल्दोवा पर चढ़ाई कर सकती है। मोल्दोवा का ऑपरेशन रूस के लिए बेहद अहम है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि मोल्दोवा के रास्ते वो यूक्रेन की जंग को खत्म कर सकता है, क्योंकि मोल्दोवा तक पहुंचते ही रूस के लिए यूक्रेन के ओदेसा पर कब्जा आसान हो जाएगा। ओदेसा यूक्रेन के लिए वो आखिरी बंदरगाह है जिसके जरिए वो काला सागर से जुड़ा हुआ है, और मोल्दोवा से ओदेसा की दूरी केवल 40 किलोमीटर है। अगर मोल्दोवा पर रूस ने कब्जा कर लिया तो वो ओदेसा को भी पूरी तरह से घेर लेगा। इसके अलावा बड़ी खबर ये है कि मार्च में ही मोल्दोवा ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अगर मोल्दोवा पर रूस ने कब्जा किया तो मोल्दोवा को यूरोप से दूर रखने में भी वो कामयाब हो जाएगा। देशों के बढ़ते रसूख से पुतिन बेहद चिंतित हैं। वो रूस को पूरी तरह से सुरक्षित बनाना चाहते हैं। पुतिन को डर है कि रूस के कमजोर होते ही नेटो देश उन पर हमला कर देंगे और रूस के कई टुकड़े कर देंगे। ऐसे में पुतिन रूस को फुल प्रूफ सुरक्षा देने के लिए हर वो मुमकिन कदम उठाने के लिए तैयार हैं जो रूस के हित में है, और रूस के हित के खिलाफ इस वक्त जो भी कोई सामने आएगा वो उसे नेस्त नाबूद कर देंगे। तो महायुद्ध का आज 72वां दिन है। अब आपको दिखाते हैं कि कहां कहां भीषण जंग चल रही है। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले कर रही है। रूस की सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर मौजूद हैं, जिन पर रूस पूरी तरीके से अपना झंडा लहराना चाहती है। लेकिन अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि रूस की सेना किस तरीके से हमले तेज करती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, पूरा का पूरा मैप यूक्रेन के सामने आ चुका है, और ऐसे में पूरा जोर जो रूस की सेना का है वो राजधानी कीव पर है। लेकिन राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए उसने बाकी शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें खार्किव मौजूद है, इज्यूम मौजूद है, जहां पर रूस की सेना इतने ज्यादा ताबड़तोड़ हमले मिसाइलों के जरिए कर रही है कि कोशिश यह है कि बहुत जल्द इन शहरों पर अपना कब्जा कर लिया जाए। इसके साथ ही ज़ापोरिज़्या पर भी हमले तेज कर दिए गए हैं। ज़ापोरिज़्या जहां पर मार्च महीने में ही रूस की सेना ने कब्जा करने का दावा किया था, लेकिन उसके बाद यूक्रेन की सेना की तरफ से पलटवार किया गया और अब ज़ापोरिज़्या एक बार फिर से यूक्रेन की सेना के कंट्रोल में है। मारियोपोल पर भी रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही मिकोलाइव और ओदेसा, ये दक्षिण यूक्रेन के वो शहर है जहां पर रूस की सेना की कोशिश यही है कि इन शहरों को अगर अपने कब्जे में ले लिया तो ऐसे में दक्षिण यूक्रेन जो है वो उनके अंडर आ जाएगा। और ऐसे में ब्लैक सी, जो कि सीधे तौर पर ओदेसा से जुड़ता हुआ नजर आता है, ब्लैक सी के जरिए ही बहुत से ऐसे देश है जो कि सीधे तौर पर यूक्रेन को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम ऐसे शहर जहां पर रूस की सेना ने इतने ज्यादा हमले तेज कर दिए हैं कि इन हमलों के साथ ही पुतिन की कोशिश यही है कि इन शहरों पर कब्जा कर लिया जाए और ज़ेलेंस्की पर प्रेशर बनाया जाए। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसी महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, डोनेस्क में रूस के हमले तेज हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी टैंक को तबाह किया गया है। डोनेस्क में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। रूस लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के टैंक को निशाना बनाया। ड्रोन से ली गई तस्वीर में यूक्रेनी सैनिक टैंक छोड़कर भागते हुए दिखाई दिए। यूक्रेन के सैनिकों के भागने का वीडियो रूसी सेना की तरफ से जारी किया गया। यही वो टैंक जिसमें यूक्रेन की सेना सवार थी, लेकिन जैसे ही रूस के सैनिकों की तरफ से हमला किया गया अपनी जान बचाने के लिए, यूक्रेनी सैनिक इधर उधर भागते हुए नजर आए, जिसका वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। तो 9 मई को क्या होने जा रहा है, आज हम इसकी एक एक बात आपको बताने जा रहे हैं। पुतिन क्या कहने वाले हैं, पुतिन को लेकर सबसे ज्यादा डर किसको लग रहा है, 9 मई को पुतिन कौन से कमांडर अवतार में नजर आने वाले हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए।
मॉस्को में रात के 10 बजे हैं, बहुत खामोशी है और फिर रेड स्क्वायर पर मिलिट्री बूट्स की धमक गूंजने लगी। सैनिकों का पहला दस्ता गुजरा, रूस की फौज का दूसरा दस्ता भी आया। इसके बाद बारी आई तीसरे दस्ते की। रूस के इन जवानों का जोश देखते ही बन रहा था। रूस के इन फौजियों के कई साथी इस वक्त यूक्रेन में लड़ रहे हैं। इनकी रेजिमेंट की कई यूनिट इस वक्त डॉनबॉस में तैनात है। और फिर आए रूस की स्पेशल फोर्स के जवान। पुतिन की तैयारी बहुत बड़ी है। ये विक्ट्री डे परेड से पहले का जलवा है जो पुतिन ने अब रात में दिखाया है। B-3 टैंक जो T-72 का ही आधुनिक वर्जन है। भारत के पास भी ऐसे करीब 2500 टैंक हैं। इसे भी रूस यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। 152 मिलीमीटर के इसके गोलों से यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ये है टोर M2 एयर डिफेंस सिस्टम, जिससे रूस ने यूक्रेन के बहुत से ड्रोन मार गिराए हैं। छोटी दूरी के एयर टारगेट्स के लिए ये बहुत खतरनाक हथियार है। और ये है रूस की टोपोल M मिसाइल। 11,000 किलोमीटर तक मार करने वाली इस मिसाइल की चर्चा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसी मिसाइल को बार बार दिखाकर पुतिन ने नेटो के दिलो दिमाग में बहुत बड़ी टेंशन पैदा कर दी है। विक्ट्री डे परेड में 11,000 से ज्यादा रूसी सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये परेड कितनी विशाल होने वाली है। 9 मई को दिन में निकलने वाली इस परेड की रिहर्सल रात में की गई है। जगमग जगमग रेड स्क्वायर के बीचों बीच रूस के सबसे खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन बहुत खास होने जा रहा है। लेकिन 9 मई की तारीख को लेकर पुतिन के दुश्मन बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। सबसे ज्यादा टेंशन है जेलेंस्की को। जेलेंस्की को लग रहा है कि पुतिन 9 मई को यूक्रेन के दो और टुकड़े करने का ऐलान कर देंगे। вже стала такою ж жорстокою, як і та війна, перемогу в якій всі ми згадуємо щороку у травні. Я пригадую, як звертався до вас і до Фолькетингу. Дусре номер пер сабсе зяда теншн хе Британ ке прадханмантрі Борис Джонсон ко. Унхе лаг раха хе ки Путін 9 май ко ек нае юдд ка елан карне жа рахе хе. When a leader rules by fear, and when he rigs his elections, and when he jails his critics, and he refuses to have a free media, and he listens just to sycophants, and when there's no limits on his power, that is when he makes catastrophic mistakes. तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टेंशन है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को। उन्हें लग रहा है कि पुतिन को यहां नहीं रोका तो उनका अगला टारगेट नेटो देश होंगे। यही वजह है कि जो बाइडेन अलबामा में उस मिसाइल की फैक्ट्री में पहुंचे जिसने पुतिन के टैंकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका की जेवलिन इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड में है और बाइडेन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। So this is the missile assembly area, sir. So I just wanted to show just a little bit about what we do here. So we have the seeker, the warhead, and the rocket motor that these folks that you're looking at all assemble and put together. That's the missile assembly, what we call the missile assembly. That's a complete ready missile assembly, the Javelin missile. That's the same Javelin missile that's been overseas for 20 years, proven combat, over 5,000 fires. अमेरिका ने यूक्रेन की सेना की भारी भरकम मदद की है और इसमें बड़ा हिस्सा जेवलिन की शक्ल में ही यूक्रेन को सप्लाई किया गया है। जेवलिन अब एक ऐसा हथियार बन चुका है जिससे लैस होना किसी भी सेना का ख्वाब हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इस मिसाइल ने यूक्रेन में रशियन टैंक्स को तबाह किया है,
उसका कोई मुकाबला देखने को नहीं मिलता। I've seen these suckers in the field. They're something else. Yes, sir. So we are at the missile load station where we integrate the missile into the launcher. But instead of me going through every step of the way, we kind of like to show you. Okay, I'd like to. Yep. So it's fully integrated into the launcher. This plus a couple steps is our final assembly that we deliver to our warfighters. Javelin एक fire and forget system है, यानी एक बार दागो और भूल जाओ। ये मिसाइल टैंक की टरेट यानी उस हिस्से पर ऊपर से वार करती है जो टैंक का सबसे नाजुक हिस्सा माना जाता है। टॉप एंगल शॉट से रूस ही नहीं किसी भी टैंक के लिए बचने के ना के बराबर चांसेस होते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 7,000 जेवलिन मिसाइल सप्लाई की है, ये बहुत बड़ी तादाद है। इनमें से 5,500 जेवलिन को फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन पहुंचाया गया। शुरू से इनके टारगेट पर रूस के टैंक रहे। What's the total weight? 15 kilograms, 30-35 pounds. Yeah. यूक्रेन के पास जो एंटी टैंक मिसाइल है, उन्होंने रूस की बख्तर वाली ताकत को पूरी तरह उधेड़ कर रख दिया है। चाहे T-72 हो, T-80 या फिर T-90, ये एंटी टैंक हथियार रूसी सेना की हर बख्तरबंद गाड़ी पर भारी पड़ रहे हैं। रूसी टैंक पावर की बैकबोन कहे जाने वाले ये तीनों टैंक और PMP जैसी कई इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल इस युद्ध में खिलौनों की तरह तबाह कर दिए गए। ऐसे ही हमलों और मिसाइलों को देखकर रूस की फौज कई जगह अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को छोड़कर भागी। रूस की टैंक शक्ति पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा देश जिसके पास 12,000 से ज्यादा टैंक हैं, लेकिन यूक्रेन में रूस के टैंक एंटी टैंक हथियारों के आगे फेल साबित हुए हैं। अमेरिका इसी कामयाबी को जारी रखना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन में अगर रूस का कोल बहेगा तो इसका सीधा सीधा फायदा अमेरिका को ही होगा। First, I would say the way that President Putin defined winning a war that he started from the beginning was taking over Ukraine, enveloping Ukraine into Russia, taking away their territorial integrity and their sovereignty. Clearly, that has not been successful. You know, he expected and was planning to be marching through the streets of Kyiv victorious next Monday. Clearly, that is not what is going to happen. He wanted this to be a moment to divide NATO, to divide the West. Clearly, that is not what is happening. अब यूक्रेन में हुई जंग ने अमेरिका की मिसाइल जेवलिन की किस्मत भी बदल डाली। अमेरिका को जल्द इस मिसाइल के दुनिया भर में ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। अमेरिका ने जंग शुरू होते होते एस्टोनिया के जरिए यूक्रेन तक ऐसी सैकड़ों मिसाइल यूक्रेन पहुंचाई है, जबकि ऐसी 2,000 और मिसाइल यूक्रेन को मिलने जा रही हैं। यूक्रेन में जेवलिन का स्ट्राइकिंग रेट 90% से ज्यादा है। शुरुआती दिनों में ही जब यूक्रेन ने 300 जेवलिन फायर की, तो इसने 280 रूसी टैंक या बाकी बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस नुकसान से ना घबराकर पुतिन ने अपनी परेड का जलवा बरकरार रखा है और रात में भी परेड निकाल कर बता दिया है कि यूक्रेन के नए टारगेट अब अंधेरे में भी बहुत ताकत के साथ उड़ाए जाएंगे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने नाइट ऑपरेशंस के कुछ वीडियो जारी किए हैं, जिसमें रूस के अटैकिंग हेलीकॉप्टर KMO-52 की सॉर्टीज दिखाई गई हैं। ये लगातार डॉनबास के इलाकों में यूक्रेन की पोजीशन पर हमला कर रहे हैं। रात में इनके हमले ज्यादा होते हैं। रूस का दावा है कि ऐसे ही हमलों में यूक्रेन की 32 कमांड पोस्ट, 5 हथियार डिपो और यूक्रेन के तोपखाने की 51 पोजीशन पूरी तरह तबाह कर दी गई। Противотактической армейской авиации воздушно-космических сил России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Ракетными войсками в течение ночи поражены 2 пункта управления вооруженных сил Украины, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также 2 пусковые установки и 1 транспортная заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У». इसका मतलब है कि पुतिन की फौज रात में हमले भी कर रही है और रात में परेड भी कर रही है। पुतिन सब कुछ रात में ही कर रहे हैं। ऐसे में 9 मई की सुबह वो क्या करने वाले हैं, ये अब भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है।
पुतिन 9 मई को 11,000 सैनिकों की सलामी लेंगे और यूक्रेन पर कुछ ना कुछ तो जरूर कहेंगे। उनके एक एक शब्द को बहुत गौर से सुना जाएगा। पूरी दुनिया में इसके अलग अलग मतलब भी निकाले जाएंगे। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ 1 रुपए में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं।